नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। जैसा आप लोग ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हैं और आप जानते भी हैं कि हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये सीरीज चल रही है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक एड क्रिएट करना। जी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फेसबुक एड रन कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको सीख करके अपना एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को इस तरह की सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और खाली इस वीडियो से फेसबुक एड कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर मैं सारा आपको एक दिन में बता दूंगा तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे, इनफैक्ट आप बोर हो जाएंगे। तो आज के स्टेप में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमें फेसबुक एड क्रिएट करने के लिए चाहिए, क्या क्या तैयारी हमें उसके लिए पहले से करके रखनी है, और इसके बाद इसी तरीके से आगे के वीडियोस में हम पूरा डिटेल में जानेंगे फेसबुक एड को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है और एक बहुत ऑप्टिमम फेसबुक एड आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और उसका बेनिफिट अपने बिजनेस को बढ़ा करके, अपनी सेल्स को बढ़ा करके, या एक फेसबुक एड रन करने की सर्विस शुरू करके आप अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे वो दोस्त जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इन्फोटॉक्स के जरिए हम लेके आते हैं ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप हमारा एक ग्रुप है फेसबुक का, गो गेटर्स VIP, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी हम आंसर करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप हमारे चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीखना नहीं चाहते, या फिर उनको ऐसा लगता है कि YouTube पे जो डिजिटल मार्केटिंग में बताया जाता है वो इनकम्प्लीट होता है। बाकी एक चीज़ तो जरूर होती है कि YouTube के जरिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप उन सब चीज़ों का एक सीक्वेंस प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो मैंने ट्राई किया है, ये हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंप्लीट सीरीज है जिसके अंदर हम फेसबुक के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे, क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उन सभी को इसमें सीख सकते हो। बट मैंने एक कोर्स डिजाइन किया, लोगों की काफी दिन से काफी रिक्वेस्ट आ रही थी उसके बेसिस पे, और रिसेंटली हमने 1000 प्लस रजिस्ट्रेशन उसके कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ, लास्ट 2 महीने में, लगभग 2.5 महीने में हमने 1000 प्लस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं उस कोर्स के। तो अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम। ये एक बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। इस कोर्स को ले लेने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए और कोई कोर्स कभी भी लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम अपडेट्स, लाइफ टाइम सपोर्ट। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसकी कॉस्ट है 9,999 रुपीज, बट इसके डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं। आप नीचे में उसका लिंक दे दूंगा तो आप चेक कर सकते हो, जो भी बेस्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा होगा उसमें आप इसको ले सकते हो। आपको कोई 50-60-70-75 हज़ार रुपए खर्च करके कोर्स ज्वाइन करने की कभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल फील्ड है और उसको आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। और कहीं भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये इतनी स्पीड से चेंज हो रही है कि कभी भी आपको उसके अपडेट्स नहीं मिलेंगे, बट हमारे कोर्स में आपको उसके अपडेट्स मिल जाएंगे। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या फायदा है, तो उसके लिए मैंने एक मास्टर क्लास बनाई है जिसमें मैंने ऐसे 12 तरीके बताए हैं जिनको यूज करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर अपने बिजनेस को, अपने एग्जिस्टिंग वर्क को ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने जॉब में, करियर के अंदर भी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप उस मास्टर क्लास को जरूर देखिए। अगर आपको उसके बाद समझ में आता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फेसबुक एड रन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत रहती है। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर के दिखाऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फेसबुक एड को रन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बट जरूरत है एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करने की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पोस्ट को बूस्ट कर देने से एड रन हो जाता है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बूस्ट करने से एड नहीं होता,
बूस्ट इज नॉट फॉर एड, वो सिर्फ एक आपके पोस्ट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना है। और फेसबुक का एल्गोरिथम कुछ ऐसे काम करता है, जब आप बूस्ट करते हो तो वो ऐसे लोगों तक उस एड को पहुंचाता है डेफिनेटली जो आपके कस्टमर नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अगर एड रन कर रहे हो तो आपको कस्टमर चाहिए, लीड चाहिए, ना कि आपको खाली व्यूअर्स चाहिए। खाली व्यूअर्स अगर आपको चाहिए तो आप बूस्ट जरूर करिए, पैसा आपका उतना ही खर्च होगा। अदरवाइज आप फेसबुक एड रन करिए जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसको रन करने से आपको डेफिनेटली लीड्स मिलेंगी और सेल्स भी आएंगी। इनफैक्ट अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मैंने रिसेंटली एक एड कैंपेन रन की थी, हमारा एक स्टार्टअप प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था और उसके ऊपर सिर्फ 8 दिन में 4,500 रुपए खर्च करके 3,000 लीड्स मुझे मिली थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और काफी सारा कन्वर्जन भी हमें उसके अंदर मिला। तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। और फेसबुक सीरीज में हमने फेसबुक पेज बनाना और बाकी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, इससे पहले वो सारे वीडियोस हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो अगर मैं बात करूं कि फेसबुक एड रन करना हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहली चीज जो हमें उसके लिए चाहिए, हमें फेसबुक पे एक बिजनेस पेज होना चाहिए। तो बिजनेस पेज बनाना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो एक बार हमारा फेसबुक पे बिजनेस पेज है तो उसके बाद हमें बनाना होगा एक एड अकाउंट। जी हां दोस्तों, एक एड अकाउंट बनाना होगा। एड अकाउंट अभी हम देखेंगे कैसा दिखता है। एड अकाउंट के बाद आपके पास एक एड को प्लान करने के लिए होनी चाहिए एक ऑफर। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का एड करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा चेकआउट करना है कि आप जो एड जिस चीज का रन करने जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक ऑफर तैयार करेंगे। वो डिस्काउंट ऑफर भी हो सकती है, ऑफर्स बहुत तरह की होती हैं, ये हम जानेंगे आगे जब हम चीज बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑफर्स किस किस तरह की होती है। नॉर्मली लोग डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं या एक के साथ एक फ्री की ऑफर देते हैं, या फिर आप एक फ्री वर्जन लोगों को दे देते हैं अगर कोई सर्विस है, और उसका प्रीमियम वर्जन आपका चार्जेबल होता है। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑफर्स दे सकते हैं, बट ये ऑफर इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना पैसा लगाने जा रहे हैं और आपको कितना रिस्पांस मिलेगा, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ऐसा एड चलाने का फायदा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगा दें और आपको उससे कोई भी रिटर्न ना आए। ऑल्दो आप जब स्टार्टिंग में पहली बार एड चलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, पहली बार एड चलाते ही आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मिल भी सकता है, बट अगर नहीं मिलता है तो उससे आप निराश मत होइए। क्योंकि आप नॉर्मली भी अगर एड चलाते हैं, आप मान लीजिए एक कैंपेन बनाते हैं जिसमें आप पोस्टर्स, पैम्फलेट्स या होर्डिंग्स लगवाते हैं, तो इमीडिएटली कोई रिस्पांस नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने करा होगा और कोई रिस्पांस नहीं आया होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्पांस नहीं भी आएगा तो भी आपके पास लीड्स कलेक्ट हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा। तो एक बार एड अकाउंट हमारा बन गया तो उसके बाद हमें चाहिए क्रिएटिव या क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब जैसे आप अपने फेसबुक पे देखते होंगे कि बहुत सारे पोस्ट आते हैं, तो जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं जिनके अंदर ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है वो बेसिकली एड होता है। तो एड के अंदर वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, दोनों तरह का। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है तो आगे से जब भी आप फेसबुक पे जाएं तो वॉल पे ध्यान रखिएगा कि स्पॉन्सर्ड जिसमें लिखा हुआ है वो आपका एड होता है, और उसके अलावा सारी की सारी नॉर्मल पोस्ट होती है। तो उस एड में वीडियोज होते हैं ज्यादातर या इमेजेस होती है। ऑल्दो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि वीडियोज ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, वीडियो से रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है, और वीडियो का मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 40 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट तक का वीडियो, उससे ऊपर का वीडियो नहीं। इनफैक्ट अगर आप बहुत लंबा वीडियो बनाओगे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड नहीं चला पाओगे, क्योंकि फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड एक साथ चला सकते हो, बट उसके लिए जरूरत होती है कि ऐड का साइज, क्रिएटिव का साइज क्या होना चाहिए। अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हो खाली, तो उसका साइज जो है वो आप कुछ भी रख सकते हो, नॉर्मल जो यूट्यूब के वीडियो का साइज होता है वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फेसबुक सारे साइज को इजीली एडजस्ट कर लेता है। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे भी चलाना चाहते हो सेम ऐड को, तो आपको 1080x1080, ध्यान रखिएगा 1080x1080 पिक्सल का आप उसके अंदर बनाएंगे। और सेम चीज अगर आप कैनवा से बना रहे हो तो कैनवा के अंदर ऑलरेडी इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने का ऑप्शन होता है। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आप ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन साइज उसका रख सकते हो, जिस भी टूल में आप उसको बना रहे हो। 1080x1080 एक स्क्वायर होता है, और वो चीज इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया चलती है, और फेसबुक पे तो सारे डायमेंशंस इजीली ले लेता है। तो अब आपका इमेज और क्रिएटिव भी तैयार हो गया। इसके बाद बारी आती है एक टेक्स्ट कंटेंट की, क्योंकि जो इमेज और आपका वीडियो होगा उसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज्यादा फेसबुक अलाउ नहीं करता। इनफैक्ट उनका स्टडी जो है गलत भी नहीं है, जो कि एक नॉर्मल विजिटर है जो आपको देख रहा है उस एड को, वो उसके अंदर
एक ग्राफिक्स के लिए या फिर एक वीडियो के लिए देख रहा है, ना कि टेक्स्ट पढ़ने के लिए। तो टेक्स्ट के लिए उसने एक टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, उसके अलावा फेसबुक की एक हेडलाइन पंचलाइन दी जाती है जिसको दूर से कोई भी देख करके समझ पाता है कि ये एड किस चीज से रिलेटेड है। तो उसमें आप कुछ कैची चीज देंगे, कोई डिस्काउंट ऑफर का शॉर्ट में आप लिख देंगे, और टेक्स्ट एरिया में आप कितना भी कंटेंट लिख सकते हैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके, जिससे अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो वो टेक्स्ट को पढ़कर भी काफी कुछ जान सकता है। कुछ लोग डायरेक्टली वीडियो के बाद आपका जो ऑफर का लिंक क्लिक करके लैंडिंग पेज पे चले जाते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो दोनों के लिए ये चीज काम करती है। इसके बाद आता है लैंडिंग पेज। यहाँ एक लैंडिंग पेज होना जरूरी है आपके एड के ऊपर। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर लैंडिंग पेज आपका होता है तो जो भी आप एड चला रहे हो उस एड का, मान लीजिए कोई विजिटर उस पे सिर्फ आ रहा है और वो आगे कुछ एक्शन नहीं ले रहा, बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फेसबुक अपने पास स्टोर कर लेगा अगर आपका लैंडिंग पेज होगा, तो उससे आप उसको आगे रीटारगेट कर सकते हो, रीमार्केट कर सकते हो, और उसके अंदर कॉस्ट बहुत कम आती है। लगभग आप समझिए कि 1/3 या 1/4 कॉस्ट आती है फेसबुक के एड चलाने की, अगर हम उस डेटा के ऊपर एड चला रहे हैं जो हमारा पहले से स्टोर्ड है फेसबुक में, जिसमें हमने प्रीवियस जो एड चलाए थे उसके थ्रू उसको स्टोर किया है। तो आप अगर लैंडिंग पेज बनाओगे तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये है कि लैंडिंग पेज में आपको एक ऑफर दे सकते हो। आपने एक ऑफर पहले बताई ऐड के ऊपर, लैंडिंग पेज पे जाकर के उस ऑफर को लेने के लिए जो भी पर्सन है वो अपना ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इनपुट करेगा। जैसे ही वो इनपुट करेगा वैसे ही आप उसको वो ऑफर दे देंगे, वो डायरेक्टली आपके ईमेल पे भी आ जाएगी या जो भी आपने सोचा उस तरह से आप उसको दे दोगे, क्योंकि आपके पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आप ईमेल से भी भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसका ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी उसको डालना ही होगा अगर उसे वो ऑफर लेनी है। तो ईमेल आईडी वो एक बार डाल देगा तो आप ईमेल पे ऑटोमेटिकली सेटअप कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसका व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो आप उससे कम्युनिकेट करके उसको जो भी ऑफर आपने कमिट किए वो दे सकते हो। तो इस तरह से आपके पास लीड्स आ जाती हैं। तो ये लीड्स ऐसी हैं, ये आप आगे चल के कस्टमर्स में और क्लाइंट्स में उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो लैंडिंग पेज बनाने के ये दो जबरदस्त फायदे हैं। उसके अलावा मान लीजिए आप कोई चीज डायरेक्टली बेचना चाह रहे हो फेसबुक के थ्रू, तो लैंडिंग पेज पे आप उसका बाय का जो है बटन दे सकते हो, तो वहां से आपकी सेल्स भी होती है। खाली लीड्स नहीं कन्वर्ट होती, सेल्स भी होती है। आपने एक ऑफर दी, ऑफर से डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने उसको बाय का ऑप्शन दे दिया, तो अगर वो इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट के अंदर तो वो बाय भी कर सकता है। तो ये चीज आप फेसबुक से नहीं कर सकते, फेसबुक से आप डायरेक्टली बाय नहीं दे सकते कि वहीं से सीधा खरीद ले, बाय के लिए आपको एक लैंडिंग पेज पे ले जाना पड़ेगा। अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर लैंडिंग पेजेस बन जाते हैं बहुत इजीली। लैंडिंग पेज बनाना मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वर्डप्रेस के जरिए। अगर कोई HTML में वेबसाइट बना रहा है तो एक नॉर्मल पेज लैंडिंग पेज होता है। HTML में आप एक नॉर्मल पेज बनाएंगे, उसके ऊपर आपको जो भी डिजाइन रखना है, जो कंटेंट डालना है, उसके ऊपर आपको एक सब्सक्राइबर फॉर्म देना है, जैसे जिसमें यूजर नेम अपना, सॉरी, जिसके अंदर जो विजिटर है अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेगा। आपको बाय का बटन देना है, तो बाय के क्लिक के ऊपर आप जो भी आपका पेमेंट गेटवे है उसको अटैच कर देंगे, या फिर आपका जो प्रोडक्ट या स्टोर का पेज है वहां पे आप उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप HTML पे भी कर सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस पे करते हो तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम लैंडिंग पेज आपको बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों की जरूरत हमें रहती है एक फेसबुक एड को रन करने के लिए। तो ये 6 चीजें जब आपकी तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद हम फेसबुक एड को रन कर सकते हैं। तो इन 6 चीजों में मैं एक बार आपको फिर दोहरा देता हूँ। पहली चीज है फेसबुक का बिजनेस पेज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बनाना बता चुका हूँ। दूसरी चीज है ऑफर, जो कि आपको खुद सोचनी है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या तरह की ऑफर्स होती हैं। डिस्काउंट ऑफर्स हो सकती हैं, एक के साथ एक फ्री की ऑफर हो सकती हैं। आप कोई चीज फ्री में दे सकते हो, उसका प्रीमियम वर्जन जो लोग सेटिस्फाई होंगे वो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी ऑफर्स अलग अलग हो सकती हैं। इसके बाद बारी आती है क्रिएटिव की। तो क्रिएटिव आप कैनवा में इजिली बना सकते हो। उसकी कैनवा की हमारी कंप्लीट सीरीज है, आप उस सीरीज को देखिए, वहां पे आप बहुत इजीली अपना इमेज क्रिएटिव बना सकते हो। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हो, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके लिए भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। ऐसे टूल्स हैं जो एब्सोल्युटली फ्री हैं, कैनवा की तरह से उनका यूज करके आप एक बढ़िया वीडियो भी बना सकते हो, एक वीडियो एड बना सकते हो। इसके बाद बारी आती है टेक्स्ट की और हेडलाइन की, तो वो भी आपको सोचना है। आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसा वो टेक्स्ट होता है, किस तरह की हेडलाइन होती है, कुछ सैंपल्स मैं आपको डेफिनेटली उसके अंदर दिखाऊंगा। इसके बाद बारी आती है लैंडिंग पेज की, और लैंडिंग पेज एक ऐसी चीज है, मैंने बता दिया आपको उसके कितने ज्यादा फायदे हैं। इनफैक्ट आप जो फेसबुक के एड पे खर्चा कर रहे हो, अगर आप लैंडिंग पेज बनाओगे तो डेफिनेटली उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज लेते रहोगे। तो वो आपके ऊपर है
कि आप उस पैसे का बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो या कम बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे आप अपना लैंडिंग पेज बनाना या नहीं बनाना डिसाइड कर सकते हो। तो आइए एक बार मेरे स्क्रीन पे चल करके भी देख लेते हैं ये सारी चीजें फटाफट एक क्विक टूर की तरह से। तो फ्रेंड्स, ये है फेसबुक पेज हमारे उस एक स्टार्टअप का जिसकी मैंने अभी बात की थी, इसका रिसेंटली मैंने काफी सक्सेसफुल कैंपेन रन किया है। तो एक आप अपना पेज बना सकते हैं इधर। रिसेंटली फेसबुक ने अपना थोड़ा लेआउट डिजाइन चेंज कर दिया है, इसका एक ओल्ड लुक था बट अब कुछ नया लुक आ गया है। तो इस तरह से ये पेज है, ये कुछ प्रोडक्ट था जिसका हमने वो एड चलाया था और ये देखिए 47,000 लोग तक ये पहुंचा था। तो इस तरह से इसकी रीच है, कितने लोगों ने एंगेज किया था पेज से, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब जो मैंने आपसे दूसरी बात की थी कि क्रिएटिव टेक्स्ट और वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एड मैनेजर का अकाउंट है, तो ये एड मैनेजर का अकाउंट है, मैं एक बार इसको स्लाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो एड मैनेजर का ये अकाउंट है और ये हमारा वो एड कैंपेन था जो हमने रन किया था। तो इस तरह से ये एड कैंपेन था और अगर मैं उस एड को आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इसको आपको एड दिखा देता हूँ। एड के अंदर क्या हमने इमेज था, क्या टेक्स था और कहाँ से हमने क्या लैंडिंग पेज का एक लिंक दिया था, ये सारी चीजें और तो आगे के वीडियोस में हम बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये एड था। तो इस एड में बेसिकली मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जो हमारा क्रिएटिव और टेक्स्ट हमने यूज किया था। तो फ्रेंड्स ये एड का प्रीव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एड अभी करंटली रन नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और ये पेज का नाम है, लोगो है। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे ये क्रिएटिव है, ये एक वीडियो क्रिएटिव इसके अंदर था। इसके बाद जो मैंने आपको बताया हेडलाइन, तो ये हेडलाइन है फ्रेंड्स, यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट का URL दिया हुआ है। उसके बाद ये लर्न मोड है, तो इस बटन पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे। और जो मैं आपसे टेक्स्ट की बात कर रहा था जो कि आप कितना भी डाल सकते हैं, वो आप देख रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग में है। अगर मैं यहाँ सी मोर पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा क्योंकि कई लाइंस इसमें टेक्स्ट की मैंने दी हुई है। तो इस तरह से आप सारी डिटेल्स जो आप बोल रहे हो उससे भी ज्यादा आप टेक्स्ट के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट बता सकते हो। तो इस तरीके से एक आपका एक बहुत बढ़िया एड ऑप्टिमाइज हो जाता है और आपका एड कितना अच्छा है, आपका ऑफर कितना अच्छा है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है और फाइनली आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसके बेसिस पे वो जो आपका कस्टमर है जो उसको लेता है वो आगे हमेशा के लिए आपका क्लाइंट बन जाता है। तो इस तरह से आप एक बढ़िया फेसबुक एड चला करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं और एक इसी के अराउंड अपना एक बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जैसे मैंने दिखाया अपने लाइव एड अकाउंट पे जाकर के और एक लाइव एड भी आपको दिखाया जो कैंपेन मैंने रिसेंटली रन किया है और आगे हम ये सारी चीजें सीखेंगे भी, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि कितना आसान है। और अभी आपको जरूर लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है कैसे बनाया, बट जब आप इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करोगे तो ये बहुत ही आसान आपको लगेंगी। और एक बार आपने अगर इसको खुद से कर लिया तो अगली बार से आप इसको खुद से कर पाएंगे। तो बट ध्यान रखिएगा जो 6 चीजें इसके लिए चाहिए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर ये 6 चीजें आप पहले से अपनी क्रिएट करके रखेंगे तो आगे जो भी हम ऐड बनाना आपको सिखाएंगे उसमें आप इजीली ऐड बना पाएंगे। इसमें से कुछ चीजें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जैसे ऐड अकाउंट किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिक्स आपको खुद से ही बनाने हैं, लैंडिंग पेज बनाना मैं आपको बताऊंगा, टेक्स्ट किस तरीके से आपको रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ऑफर आपको खुद सोचनी है, अपने प्रोडक्ट आपको खुद डिसाइड करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जानेंगे सीखेंगे तो वो डेफिनेटली उसको अप्लाई कर पाएंगे और अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे। और आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं एड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, पेमेंट सेटअप उस पर किस तरीके से करेंगे और लैंडिंग पेज हम किस तरीके से बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।